जोमेटो में आलू का पराठा बनाना चालू कर देती हैं और कितना कमाती हैं सुन करके आप हैरान हो जाएंगे। आलू पराठा, गोभी पराठा, पनीर पराठा, प्याज पराठा, मिक्स वेज पराठा, आलू प्याज पराठा, आलू गोभी पराठा, सत्तू पराठा, मसाला पराठा, चीज पराठा जी। ये आलू का मिक्सचर है और ये गोभी का है और ये पनीर का है। आजकल मोदी की गारंटी चल रही है, मुझे मोदी की गारंटी के बारे में तो नहीं मालूम, ये मेरी सत्यम पांडे की गारंटी की आलू जो है, आलू का पराठा जो है वो टेस्टी बहुत होता है यहाँ का, एक बार जरूर आके यहाँ खाएं। जैसे आपको दुकान के बाहर से देखेगा उसको समझ नहीं आएगा यहाँ आलू का पराठा मिलता होगा, क्यों? हाँ, ये एक अच्छी क्लाउड किचन है। अगर इस वैलेंटाइन डे किसी लड़की ने किसी को प्यार में मारा है चाटा, अगर इस वैलेंटाइन डे में किसी लड़की ने किसी को प्यार में मारा है चाटा, तो पहले कहिए उसे नमस्ते और टाटा, और कहिए इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, मैं तो जा करके आंटी का आलू पराठा खाता। चलिए अब पराठा खाया जाए। नमस्ते, सर्वप्रणाम, सत्यम पांडे नाम है हमारा। देखिए, दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक तो वो जो आपकी आंखों के प्रत्यक्ष, और जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण कैसा, दूसरी चीज़ होती है जो आपकी आंखों के सामने नज़र ना आ रहा हो मगर जो नज़र ना आए वही दिखाना तो हमारा काम है। तो आज सस्ता विनोद दुआ बनने जा रहा हूँ और सस्ता विनोद दुआ बन करके एक छोटा सा फूड ब्लॉग दिखाऊंगा आपको। फूड ब्लॉग में क्या होगा, आलू का पराठा, मगर वो आलू का पराठा नहीं जो आप देख लेते हैं। सामने कैमरा घुमा कर देखिए, आपको जो दुकान नज़र आ रहा होगा उस दुकान में मिलता है हवन सामग्री। हवन सामग्री, अब आप सोच रहे हैं हवन सामग्री की दुकान में आलू का पराठा कैसे मिल रहा है, यही तो ट्विस्ट है कहानी में। चलिए अंदर चलते हैं और उस आलू के पराठे की पूरी कहानी आपको सुनाते हैं, चलिए आइए। पराठे की कहानी जो है वो बड़ी दिलचस्प है। 2017 में जोमेटो लॉन्च होता है, उस जोमेटो के लॉन्च होते ही जो जोमेटो के मैनेजर होते हैं, एरिया मैनेजर, वो यहाँ की एक आंटी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आप बिजनेस करना चाहती हैं? तो कहती है मैं आलू का पराठा बनाऊंगी। तो मैनेजर कहता है पराठा, पराठा कौन मंगाता है ऑनलाइन? आंटी कहती यही तो बनाना आता है, मेरे पति परमेश्वर कहते हैं कि आप आलू का पराठा बड़ा अच्छा बनाती हैं। तो उस वक्त से ये जोमेटो में आलू का पराठा बनाना चालू कर देती हैं और कितना कमाती हैं सुन करके आप हैरान हो जाएंगे, वो तो आंटी ही बताएंगी। चलिए अंदर चलते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं फिर। आंटी नमस्ते। नमस्ते आंटी, नमस्ते। सब बढ़िया, सब कुशल मंगल? और बताइए क्या चल रहा है? सब बढ़िया, क्या पराठा खिलाए आपको? मैं तो आलू का पराठा खाता हूँ। पहले मेन्यू देखते हैं, शुरुआत आलू का पराठा से हुई थी? जी बिल्कुल, आलू के पराठे से हुई थी शुरुआत, आलू के पराठे से हुई थी। अभी मेन्यू बढ़ चुका है, टेस्टी पराठा, आलू पराठा, गोभी पराठा, पनीर पराठा, प्याज पराठा, मिक्स वेज पराठा, आलू प्याज पराठा, आलू गोभी पराठा, सत्तू पराठा, मसाला पराठा, चीज़ पराठा, मतलब ऐसा कोई पराठा बचा नहीं जो बेचते नहीं है अब। शुरुआत कैसे, मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ। अंदर आकर के बात करते हैं। जैसे आपको दुकान के बाहर से देखेगा उसको समझ नहीं आएगा यहाँ आलू का पराठा मिलता होगा, क्यों? हाँ, ये एक एक्चुअली क्लाउड किचन है। जो मतलब मेरा पहला बिजनेस तो डिस्पोजल का था, लेकिन फिर मैंने क्लाउड किचन स्टार्ट किया क्योंकि मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने क्लाउड किचन स्टार्ट किया। 2017 में जोमेटो ऑन बोर्ड हुआ, छत्तीसगढ़ में आया, तो उस वक्त जो है मुझे और ज़्यादा कुछ बनाने नहीं आता था, तो मैं अपना पराठा ही, मुझे लगा कि मैं पराठा और नॉर्मल कढ़ी चावल और ये सब कर सकते हैं। तो आए थे सर, मैनेजर थे उस समय विजय सर करके, तो उन्होंने बोला कि पराठा आप बनाएंगी? मैंने कहा हाँ। तो बोले लोग तो चाइनीज़ खाते हैं, यहाँ के लोगों की पसंद तो चाइनीज़ फूड है, तो पराठा ऑनलाइन में कैसे चलेगा, कौन खाएगा पराठा, कौन खाएगा पराठा? हाँ। तो मैं बोली ठीक है सर, मुझे तो यही बनाने आता है, तो अगर आप करके देख लेते हैं चल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो सर बोले ठीक है, फिर कल चालू कर दीजिए, क्या क्या पराठा बनाएंगे? तो मैंने 4-5 पराठे से स्टार्ट किया था, तो उसमें आलू मेन रहता है, आलू प्याज का, गोभी का, पनीर का, सत्तू का। फिर धीरे 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 मैंने उसको स्टार्ट किया, तो अभी 20 टाइप के पराठे मेरे यहाँ मिलते हैं, बहुत सारी कीमा पराठा, सोयाबीन बड़ी के पराठे, और मैगी मसाला पराठा भी है, मैगी मसाला पराठा भी। हाँ। है जी। तो ऐसे बहुत सारा मैंने इवेंट उसमें चालू करते गई और रिस्पांस बहुत अच्छा मिला पराठे का जी। तो वो बाद में बात करेंगे कितना कमाती हैं, क्या रिस्पांस है। आंटी का मैं पुराना कस्टमर हूँ, मुझे भी पहले मालूम था कि यहाँ पर आलू का पराठा मिलता है। हमारे एक मित्र हैं बैंक में काम करते हैं, वो हमको यहाँ पर लेकर आए
और जिस दिन से पहले हमने आपका आलू पराठा खाया है उसके बाद से हम लगातार आंटी के यहाँ आते रहते हैं, क्यों आंटी जी? बिल्कुल, आप एकदम रेगुलर आते हैं और हमेशा तारीफ करके जाते हैं पराठों की, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि कोई खाता है और बोलता है कि बहुत अच्छा टेस्ट था, घरेलू स्वाद था, कोई कहता है कि मम्मी की याद आ गई आपके यहाँ क्या पराठा खा के, तो ये जो है यही मेरा इनाम है जो लोग बोल दिए जाते हैं। जैसे मैं भी खाने आता जब भी आंटी के, मैंने आंटी से कहा आंटी अब कुछ मार्केटिंग नहीं की है उसके बावजूद इतना चल रहा है, अब मार्केटिंग करेंगी तो और चलेगा। फिर आंटी ने कहा कि ठीक है देखते हैं। फिर आंटी ने किस्सा बताया, क्या किस्सा था बताइए वो। मैंने स्टार्ट किया था बाहर में टेबल वगैरह लगा के चालू किया था, लेकिन लोग वहाँ बैठते ही नहीं थे, बोलते थे नहीं आंटी हमको यहीं बैठ कर खाना है। जैसे भी वो एडजस्ट करके खाएंगे लेकिन यही खाएंगे। तो मुझे समझ में आया कि नहीं, लोगों को खाने का टेस्ट से है और सीटिंग और उस अरेंजमेंट से नहीं है, तो फिर मैंने उसको क्लोज किया। और मेन मुद्दा जो टेस्ट है, टेस्ट है, आपने वो ताम झाम नहीं चाहिए। नहीं, ताम झाम नहीं चाहिए। चलिए आइए कहाँ बनाती हैं देखते हैं। तो ये आंटी का छोटा सा किचन है, यहीं से पूरी शुरुआत हुई है और यहीं से शुरुआत होकर के जोमेटो में इतना भीड़ लगा होता है आंटी के यहाँ। कितना ऑर्डर निकलता है दिन का? दिन का 20-22 ऑर्डर रहता है जी, है ना। वीक का कितना कमा लेती है बता रही थी आप? वीक का 25,000 के, 20-25,000 का वीकली पेमेंट आ जाता है। स्विगी में भी 1-1.5 लाख रुपए आंटी कमा रही हैं आलू पराठा बना करके और लोगों का दिल जीत करके। क्या क्या डालती हैं आलू पराठा? मैं तो जानता हूँ, हालांकि दर्शक को बताना जरूरी है जी। ये आलू का मिक्सचर है और ये गोभी का है और ये पनीर का है। पनीर का मैं आपके सामने डाल देती हूँ जी। ये इसमें ज़्यादा कुछ पड़ता नहीं है क्योंकि पनीर हेल्थ के लिए लोग लेते हैं, तो नमक डाला, थोड़ा सा हल्दी डाला और इसमें हल्का सा धनिया और चाट मसाला डालता है जी, और बारीक धनिया की पत्ते डालते हैं। ये चाट मसाला मेन डालता है जी इस मिक्सचर में। और जैसे बहुत लोग आलू पराठा खाते हैं, बहुत चीज़ डाल देते हैं उसमें। नहीं, अपन आपके यहाँ खाते हैं तो सादा टेस्ट, लेकिन जो टेस्ट है वो लाजवाब आता है जी। नहीं, हम लोग आलू पराठे में तो बिल्कुल मिर्ची अवॉइड ही करते हैं, हल्का सा हरी मिर्ची डालते हैं और उसमें हरी मिर्ची के बाद में करिया पत्तियाँ डालते हैं और हल्दी नमक रहता है, ऐसा लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया का पाउडर और कोई सौंफ भी डाल देते हैं, वो सब हम लोग नहीं डालते हैं। बस हमारे गोभी पराठे में रहता है थोड़ा गरम मसाला ताकि थोड़ा टेस्ट चेंज हो करके, ये डालते हैं। सत्तू के पराठे में हम लोग सरसों के तेल से मिक्स करके बनाते हैं, तो लोगों को थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है और अच्छा भी लगता है खाने में। जैसे आजकल सोशल मीडिया में चलता है कि पापा की परी तो मैं मम्मी का लौंडा हूँ, मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ, मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है हमारी, उसके बाद अगर मुझे कहीं का आलू पराठा अच्छा लगा है तो वो आपके यहाँ का है। धन्यवाद। बनाकर बताइए कैसे चालू होता है। बिल्कुल बना देते हैं, गोभी का बना दें कि पनीर का कर दें? आलू जो हमारा फेवरेट है। अच्छा, आलू जी, आलू खाएंगे पहले। अच्छा, हम सोचे कि आपको गोभी वोभी का खिलाते हैं करके, पनीर का खिलाते हैं। वो आज पनीर भी टेस्ट करेंगे, आलू जो है वो तो मैंडेटरी है, वो खाना जरूरी है। बिल्कुल, आलू का बना देते हैं, आलू के बिना काम नहीं चलेगा। आलू आपका फेवरेट है जी। तो देखिए, जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि बाद में बताऊंगा कमाई कितनी होती है, लोग नया नया सोचते हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप दुनिया भर का जो ताम झाम चल रहा है कि इतने पैसे लगा लो, रेस्टोरेंट बना लो, ताम झाम करो, रिंग वाली लाइट लगा लो, उसके बावजूद कस्टमर नहीं आएंगे। बिना किसी ताम झाम के ये पूरा मामला चल रहा है और मामला 1-1.5 लाख तक पहुँच चुका है। तो सोचिए, टेस्ट जो है वो मैंडेटरी होता है, टेस्ट में दम होना चाहिए, ताम झाम कौन देखता है। तो आंटी अब बेल रही हैं, आलू का पराठा बना रही हैं, अब इंतज़ार नहीं हो रहा है। और आपको बता दूँ, आजकल मोदी की गारंटी चल रही है, मुझे मोदी की गारंटी के बारे में तो नहीं मालूम, ये मेरी सत्यम पांडे की गारंटी कि आलू जो है, आलू का पराठा जो है वो टेस्टी बहुत होता है यहाँ का, एक बार ज़रूर आके यहाँ खाएं। बाकी तो भी आंटी परोसेंगी तो खा कर भी आपको दिखाएंगे। लाइए लाइए आंटी, इसी का इंतजार कर रहे थे जी। ये आलू वाला है? आलू जी, इसी कर दीजिए। ये कैमरे में के पीछे मनीष हैं, मनीष के लिए आंटी आप भी बैठिए। ठीक है, बैठिए बैठिए बैठिए, इसको रख देते हैं, मनीष का नंबर बाद में लगेगा, पहले हम खाएं जी, टेस्ट किया जाए। हालांकि मैं तो पहले खा चुका हूँ, पर अभी वीडियो के लिए खा कर दिखाना ज़रूरी है। मतलब बहुत ताम झाम नहीं होता है कि बहुत मसाला डाल दिए, बहुत धनिया काट दिए, लाइट चीज़ है
और ताबड़तोड़ चीज़ें। क्यों? धन्यवाद आंटी। जैसे चटनी जो है आपका जी, वो आलू पराठा में जान डाल देता है, चटनी में क्या क्या डालती हैं आप? सिर्फ टमाटर रहता है और धनिया और हरी मिर्ची, बाकी और कुछ नहीं। टमाटर के अलावा और कुछ नहीं डालते हैं, बस टमाटर और धनिया पत्ती और मिर्ची जी। लहसुन वसन कुछ नहीं डालते, क्योंकि बहुत जैन लोग भी हमारे से खाना लेते हैं ना, तो लहसुन अवॉइड करते हैं, इसलिए लहसुन का इस्तेमाल कम करते हैं। और प्योर वेज बनता है आपके, कोई नॉन वेज नहीं है? जो हम जो हमारे जैसे लोग हैं जो केवल वेज खाते हैं और जहाँ नॉनवेज बनता है वहाँ दूर भागते हैं, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट पॉइंट रहने वाला है। लोकेशन क्या है आंटी, लोकेशन बताइए? ये मैत्री नगर जी, आपका परशुराम चौक के सामने में ही जी, और डिस्पोजल की दुकान है जी, उसमें बोर्ड है दोनों तरफ टेस्टी पराठे का, तो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ कहाँ पराठा मिलता है। दोनों बोर्ड होने के बाद भी लोग कंफ्यूज होते हैं। बाजू में SBI का ATM है जी, उसके ठीक बाजू में हमारा जो डिस्पोजल दुकान है वहीं पे आइए, आंटी को प्यार से पुकारिए, आंटी को जो पराठा बोलेंगे वो बनाकर खिलाएंगी और बहुत लजीज होगा। और साथ में मिलता है आपको दही। ये दही, दही जो है गर्मी का मौसम जो है दरवाजे पे आ गया, खटखटा रहा है, कब आ जाए मालूम नहीं है। गर्मी के मौसम में दही तो बहुत फायदेमंद होता है, शरीर को ठंडा रखता है। आजकल लोग गर्म बहुत हो गए हैं, ठंडा रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस वैलेंटाइन डे अगर इस वैलेंटाइन डे किसी लड़की ने किसी को प्यार में मारा है चाटा, अगर इस वैलेंटाइन डे में किसी लड़की ने किसी को प्यार में मारा है चाटा, तो पहले कहिए उसे नमस्ते और टाटा, और कहिए इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, मैं तो जा करके आंटी का आलू पराठा खाता। चलिए अब पराठा खाया जाए और मामला जो है बंद किया जाए, क्योंकि मनीष का भी लार टपक रहा है, हम समझ रहे हैं। पराठा जो आप लोग अभी इतना टेस्टी खाया पराठा खाए हैं, तो ये हमारी टीम है और हम तीनों मिलकर ही इस काम को करते हैं। और ये स्विगी का ऑर्डर है, स्विगी का ऑर्डर है, ये जोमेटो का ऑर्डर है, ऑर्डर भी जा रहा है अभी जी। तो कभी आप आए, और आंटी बहुत व्यस्त रहती हैं, कारोबार बड़ा हो गया है, अब लाख डेढ़ लाख में बात पहुँच गई, आंटी व्यस्त रहती हैं, तो दो दीदी आपको मिलेंगी, तो दीदी आप आलू पराठा दे देंगे, क्यों? हाँ दे।